तो अगर आपको लाइव स्ट्रीम करना है लेकिन आपके पास पीसी नहीं है, आप भी डायनमो की तरह ही लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं, तो यार आपके लिए सोल्यूशन मिल गया है। तो यार आप भी डायनमो की तरह लाइव स्ट्रीम कर सकते हो विदाउट एनी पीसी। तो यार वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है गाइस तो लाइक करना, क्योंकि यार वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एडिटिंग और वॉइस डालने में आप देख सकते हैं बहुत सारी बात बोलनी पड़ती है। तो यार चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो, ये सब बिना बिखर बिखर करते हैं। तो यार आपको गूगल प्ले स्टोर में जाके स्ट्रीम लैब सर्च करना है, और आप जैसे ही स्ट्रीम लैब सर्च करेंगे आपको एकदम सबसे ऊपर वाला ये आइकन दिख जाएगा, आपको ये वाला ऐप डाउनलोड कर लेना है सबसे पहले। तो इससे क्या होता है, आप एकदम डायरेक्ट यूट्यूब और ट्विच से भी बोलिए आप लाइव स्ट्रीम डायरेक्ट हो जाती है। तो यार जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे इसको ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यूजर लॉगिन करने पड़ेगा, लॉगिन कर दीजिए अपने यूट्यूब अकाउंट से, और उसके बाद आपको कुछ इस तरह के यूज़र इंटरफेस दिखेगा। ये होता है बैक कैमरा, तो मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ और ये फ्रंट व्यू कर दिया मैंने अभी। तो यार फ्रंट व्यू करने के बाद मैंने अपना हाथ से छेप रखा है, क्योंकि यार मेरा जो बदन है मतलब कि थोबड़ा है बहुत ही सुंदर है, इसीलिए। तो यार आपको क्या करना है, सिंपली जो लेफ्ट में है उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये आपको ऐसे एक राइट में कॉर्नर में एक एरो दिखेगा, उसको देखते ही आपको प्लस करना है, प्लस में जाके आपको विजेट लगाना है। तो आपको विजेट में क्या करना है मैं बता देता हूँ, आपको स्ट्रीम लैब्स के विजेट में ये अलर्ट बॉक्स और चैट बॉक्स और नीचे और भी बहुत सारे आपको जिस जिस के मतलब विजेट्स चाहिए आप लगा दीजिए, मैं चैट बॉक्स ले रहा हूँ जल्दी जल्दी से। तो यार बंदे अगर चैट करते हैं तो आपको स्क्रीन में इस तरह के चैट दिखेंगे इस साइड से, ठीक है। तो आपको ये देख लेना है कि आपको यार चैट कितनी बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए या बड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से आप चैट रखिए। फिर आपको क्या करना है नेक्स्ट में, फिर से आपको आपको फिर से एक विजेट चाहिए तो आप वो जो राइट में एक एरो दिख रही है फिर से उसमें क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद प्लस में क्लिक कीजिए, प्लस में क्लिक करने के बाद विजेट में जाइए, स्ट्रीम लैब्स विजेट में जाने के बाद आपको ये दिखेगा व्यूअर साउंड। तो यार आप व्यूअर साउंड ले लीजिए, क्योंकि यार सभी के व्यूअर काउंट होते हैं। तो यार व्यूअर काउंट होने के बाद देख लेते क्या ले सकते हैं हम लोग, यार अलर्ट बॉक्स ले लेते हैं। यार अलर्ट बॉक्स भी यार बहुत अच्छी चीज़ है, यार अलर्ट आएंगे यार क्या कौन कौन हमारी जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर रहा है, सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, मतलब सब्सक्राइब कम कम कर रहा है। और डोनेशन गोल, ये डोनेशन गोल है, अगर आप डोनेशन मांगते हैं किसी से तो यार डोनेशन का जो गोल है वो दिख जाएगा सबको। यार ये डोनेशन का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि अभी तो आपको कोई डोनेशन नहीं देने वाला है। तो यार सेकंड जो है वो सेकंड नहीं है, बहुत देरी हो गई है हमारी। तो यार सेकंड या थर्ड जो है वो है एड टेक्स्ट, टेक्स्ट में जाइए, यहाँ पर अगर आपको पेटीएम नंबर चाहिए तो पेटीएम नंबर छेप दीजिए, समझते हो, अगर आपको कोई पैसा भेजेगा तो यार गलत है, पहले पेटीएम नहीं भेजते, आपको गेम प्ले देखते हैं फिर पेटीएम भेजते हैं। तो यार पेटीएम नंबर अगर आपको छापनी है तो छाप दीजिए पूरा एकदम डायनामो बाई की तरह एकदम छाप दीजिए, अगर आपको नंबर में गलती हो गई है तो डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से टेक्स्ट कलर पे भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैं हरा नीला पीला कुछ भी लगा रहा हूँ, पता नहीं क्या लगा रहा हूँ, फिर से मैं ये हरा ही जा रहा, हरा हरा ये करंट हो गया है, अब छोटा कर दे सबसे छोटा, यार एकदम पूरा डायनामो गेमिंग की तरह दिखना चाहिए। और ये होने के बाद आपको क्या करना है, ऐड इमेज में जाना है। यार ऐड इमेज में जैसे ही जाएंगे आपको बोलेगा कि ऐड इमेज, यार ये होता है ओवरले, आप देख सकते हैं कि यार डायनामो में आता है यार डोनेशन गोल, ये इम्फलाना डिम्फलाना कुछ भी आता रहता है, वैसे कैरीमिनाटी की भी आता है, तो यार वही सब है। तो मैंने अपने खुद से बनाया है ये नैंडी टैंडी, आप देख सकते हो, यार गायब क्यों हो गया ये, बिल्कुल को फिर चलाने दो। यार आपको इमेज में जाना है, इमेज में जाके डिवाइस से अगर है आपके पास ओवरले ऐसी या टेम्पलेट्स, इसको ओवरले टेम्पलेट्स पीएनजी बहुत कुछ बोलते हैं, अगर आपके पास ये गेमिंग ओवरले है तो आप ले लीजिए अपने डिवाइस से, और इसे छोटे 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 करके एकदम ऊपर पूरा एकदम कैरीमिनाटी डायनामो गेमिंग की तरह एकदम ऊपर चिपका दीजिए, चिपका के आप देख रहे हैं मैं प्लेस कर रहा हूँ, लोगों को एकदम दिखने लगे यार बहुत प्रोफेशनल है। तो ऐसे ही अगर आपको कहाँ रखना है आपको समझना पड़ेगा, आपको कहाँ पे चैट बॉक्स, कहाँ पे ये ओवरले चिपकाना है, ओवरले बहुत टाइप के होते हैं, अगर आप चाहते हैं आप ऐसे ही फलाना डिम फलाना बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन यार मैं तो सजेस्ट करूँगा सिंपली बनाइए। तो यार आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पूरा अलर्ट बॉक्स को छेप डाला एकदम ठीक जगह पे, व्यूअर्स कमेंट को भी छेप डाला। अब क्या करना पड़ेगा, ये राइट वाला दिख रहा है ना, लेफ्ट में जो एक राइट टिक है उसको क्लिक करने पे आपको ये नीचे वाला हॉटस्पॉट का बटन दिख जाएगा, ये हॉटस्पॉट नहीं है लाइव बटन है, तो लाइव बटन जैसे करेंगे गो लाइव ऑन यूट्यूब करना है आपको,
और यहाँ पर देख सकते हैं मैं गो लाइव में चला गया हूँ और गेटिंग स्ट्रीम्स दिखा रहा है। अभी आपको पबजी मोबाइल चला लेनी है और यार थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। आपको सिंपली क्या कर लेना है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ ओवरले बैनर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यार आपको एक सेकंड मोबाइल ले लेना है, अपना इसी वाला यूट्यूब अकाउंट को दूसरे मोबाइल से लॉगिन कर लेना है और उसमें वो यूट्यूब चला लेनी है और यार वहाँ से आपको पूरी बैनर वैनर सब दिख जाएगी और यार उस मोबाइल से आप मोनेटाइज कीजिए। मतलब यार वो जो बंदा बोल रहा है आप वहाँ से पढ़ के इधर से आप माइक से बोल दीजिए यार, उसको शाउट आउट दे दीजिए, अगर आप सुपर चैट भेजता है तो थैंक यू बता दीजिए और यार बहुत कुछ कर सकते हो। तो आगे मैं दिखा देता हूँ कि यार यूट्यूब में आपका वीडियो कैसा दिख रहा था। तो भाई लोग आप जैसे ही लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करोगे ना, दूसरे बंदों को कुछ इस तरह से यूजर इंटरफेस दिख जाएगा, यार बहुत ही गजब लग रहा है। लेकिन भाई लोग अगर आप अपने मोबाइल नेटवर्क से करते हो तो आपका मोबाइल का डेटा सत्यानाश हो जाएगा और यार 720 पिक्सल्स में भी अपलोड नहीं होगा और यार जो जिसके पास वाईफाई है यार 720 पिक्सल्स से हो जाएगी, लेकिन यार 1 Mbps का स्पीड होना चाहिए, मोबाइल का भी 1 Mbps का स्पीड होना चाहिए, तो यार बहुत ही अच्छी क्वालिटी अपलोड होगी। और यार आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करो और कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो।